हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे किसी इमेज से हम बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं। दोस्तों बहुत से लोगों को नहीं मालूम है कि बैकग्राउंड से इमेज कैसे रिमूव होती है। इमेज को रिमूव कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फोटोशॉप में जाना पड़ता है और उसके बाद में टूल पे कई प्रकार से काम करना पड़ता है, जैसे पेन ड्राइव के थ्रू या पेन टूल के थ्रू हम एडिट करते हैं और पेन टूल का यूज करके हम रिमूव करते हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ बहुत ही इजी तरीका है। यहाँ पर आप जैसे ही इसमें जाते हो गूगल में जाने के बाद आपने क्या लिखना है, ये देखिए हम गूगल में गए, रिमूव, यहाँ पे आप गए, यहाँ पे आपने क्या लिखना है, रिमूव बीजी। जब आप रिमूव बीजी करते हैं तो ये आपकी ये चीज़ आ जाती है निकल के। यहाँ पे जो ये पहला ऑप्शन है यहाँ पे आपने करना है रिमूव बीजी। अब रिमूव बीजी अब जब आप कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है अपलोड इमेज का। अपलोड इमेज करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं हाउ टू यूज टूल API और प्राइजिंग, यानी कि अलग अलग टूल हैं बट ये पेड हैं, इसमें आपको पेड करना होगा। लेकिन इसमें एक ऐसा भी ऑप्शन है यहाँ पे जिसमें आपको पेड नहीं करना होगा। ये देखिए यहाँ पे आपने क्या करना है, सीधा करना है अपलोड इमेज और यहाँ पे हम जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे एक इमेज है ये इस टाइप से, ये देखिए ये इमेज मैं उठा लेता हूँ और ओपन कर देता हूँ। अब आप ये देख सकते हैं ये इमेज आपकी अपलोड हो गई है। ये देखिए अभी इस इमेज का कलर इस टाइप से था, ये देखिए इसके साथ ये बैकग्राउंड था और बैकग्राउंड के साथ में ये आपकी इमेज थी। अब हम यहाँ पर कर देते हैं, ये देखिए ये आपकी इमेज एकदम बिल्कुल बैकग्राउंड आपका ख़त्म हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड आपका बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मैं आपको थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ, ये देखिए ये जूम करके मैंने आपको दिखा दिया, बैकग्राउंड ख़त्म हो गया। अब इसमें करना क्या है आपको कि इस ऑप्शन पे जाना है डाउनलोड पे। डाउनलोड पे जैसे ही आप जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और ये इमेज आपकी यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे ये कॉर्नर पे डाउनलोड पे इमेज आपकी डाउनलोड हो गई है और यहाँ पे आपने करना है शो इन फाइंडर, यानी कि जहाँ पे ये इमेज सेव हुई है। ये देखिए अब ये इमेज यहाँ पे सेव हो गई है। दोस्तों अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम इसको खोलते हैं और कैसे हमें पता लगेगा। ये देखिए यहाँ से मैं इसमें जाता हूँ ओपन फोटोशॉप में, अडोब और फोटोशॉप में, और यहाँ पर अडोब फोटोशॉप में जैसे ही मैं यहाँ पर गया ये हमने ओपन कर दिया। अब जो हमारी इमेज है वो ओपन फोटोशॉप में ही होगी। अब आप ये देख सकते हैं कि बैकग्राउंड इसका बिल्कुल रिमूव हो गया है वहाँ से। अब यहाँ पे आप चाहें तो इसके पीछे कोई भी दोस्तों कलर डाल सकते हैं, जैसे कि मैं आपके को डाल के दिखा देता हूँ। सेम इसकी बॉडी का मैं कलर ले लेता हूँ, ये देखिए कलर को मैं पीछे कर ले लेता हूँ। अब ये देखिए आप दोस्तों आपने देखा कि किस तरह हम बैकग्राउंड को ऑनलाइन रिमूव कर सकते हैं, यानी कि ये इससे ये होगा कि आपका टाइम भी बचेगा और ये आप देख सकते हैं कि एक एक बाल आपका निकल के आ गया है इसमें, यानी कि जो मेहनत आप करते आ रहे हैं बहुत टाइम से और इमेजेस में टाइम लगाते हैं और कई चीज़ों में टाइम लगाते हैं तो वो अब उसकी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों देखते रहिए आप हमारा YouTube चैनल AllVFX, और भी चीज़ें हम आपको बताएंगे और सिखाएंगे। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई ट्यूटोरियल।